बच्चों हम हमारा आठवीं कक्षा में हमारी आठवीं कक्षा में लेसन नंबर 5 सीख रहे थे। लेसन नंबर 5 का नाम क्या है? धरती की आंखें। धरती की आंखें। तो इस पाठ में मैं आपको बताया था कि कृत्रिम उपग्रह किसके बारे में मैं आपको बताया था? कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह यानी क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम तैयार करके अंतरिक्ष में स्पेस में भेजते हैं। नेचुरल सैटेलाइट यानी हमारे धरती का एक चंद्रमा है, वो नेचुरल सहज सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट क्या करते हैं? सैटेलाइट के द्वारा ही आज हम टीवी देख रहे हैं, फोन के सिग्नल्स काम कर रहे हैं, इंटरनेट, हमारे डिश टीवी, ये पूरे सैटेलाइट से ही हो रहे हैं। और हमें जीपीआर सिस्टम पता है आपको? हम कहीं पर जाएंगे गाड़ी पर जीपीआर सिस्टम स्टार्टिंग स्टेशन फ्रॉम उपोड़ा जो कहीं पर दिलसुनगर ऐसा हमारे कौन सा प्लेस है वो प्लेस को नाम मारते कि वो अपने रूट बताता है, उस प्रकार प्लान बताता है, हम प्लान के हिसाब से जाते हैं। ये पूरे कौन करते हैं? सैटेलाइट। और सैटेलाइट के द्वारा हमें खनिज पदार्थ के बारे में पता चलता है। खनिज, खनिज मीन्स जैसा कि सोना, चांदी, हीरे, कोयला, गैस। और समंदर में जाने वाले जो जहाज पर जाते हैं उन्हें पता चलता है कि ये एरिया में आप गए तो आपको मछली, मछली यानी फिशेस, फिशेस बहुत मिलते हैं। प्लेन्स, प्लेन्स को भी एक रूट रहता है, जीपीआर सिस्टम के हिसाब से वो जाते रहते हैं। प्लेन को क्या हुआ कि हमें पता चलता है प्लेन का रूट ये है, इस प्रकार से वे जाना चाहिए यहाँ से, लेकिन वो कहीं पर आज तक गलत गई समझो, वो कहीं पर घूम जाती है, फिर से वो एरिया में आने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये ना होकर डिटेक्टिव सैटेलाइट्स, डिटेक्टिव सैटेलाइट्स यानी कौन सा देश, कौन सा दुनिया का कौन सा देश कोई भी कुछ खतरनाक वेपन्स, खतरनाक वेपन मीन्स केमिकल वेपन्स, जैसा कि मैं इससे पहले बताया था गैस, पॉइजनस गैस हवा में छोड़े तो पीकर मर जाते हैं। तो इस तरह के पूरे मालूम करने के लिए हमने कृत्रिम उपग्रह को भेजा है। देश दुनिया में कई लोगों ने कृत्रिम उपग्रह को भेजा है। तो अब हम कहानी में आएंगे। तो धरती की आंखें किसे कहा गया? कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह यानी ये क्या करते हैं? ये धरती की आंखें। तो आप बोल सकते हैं कि धरती की आंखें कृत्रिम उपग्रह है ना? यस। यानी ये ऊपर जाने पर रॉकेट से उन्हें ऊपर भेजा, मैं इससे पहले बताया था कक्षा में, रॉकेट से ऊपर जाने के बाद वो ऊपर जाकर घूमते रहते हैं, घूमते रहकर पावरफुल कैमरास रहते हैं, उस कैमरा से हमें जीपीआर सिस्टम से कौन सा एरिया कहां है पता चल रहा है। लेकिन अंदर अभी जमीन के अंदर क्या है? सोना, चांदी, कोयला, कोयला मीन्स कोल, गैस, डायमंड्स, इसके बारे में भी ये हमें बताते हैं, बहुत पावरफुल आईज रहते हैं उसके। तो धरती की आंखें हम किसे कह सकते हैं? कृत्रिम उपग्रह। उनका काम करना है घूमना घूमना घूमना। हम नीचे से भेजाते हैं और एक एरिया देते हैं उसको, ऊपर नीचे से जाता है, ये धरती है, धरती के ऊपर से ये निकल जाता है ऊपर, जैसे जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद हाँ वहां पर गोल घूमने लगता है। धरती पे क्या क्या हो रहा है, कब तूफान आता है, कब क्या होता है, ये पूरे भी हमें कृत्रिम उपग्रह से पता चलते हैं। तो एक राजा था, नित्य नित्य नहीं रोज नए सपने देखता था, सपने साकार होने के लिए खजाना खोल देता था, उनका ट्रेजरी का सभी बुद्धिमान लोगों को बताता था और खजाना खोल देता था। खोलने के बाद अगर उसमें असफलता यानी फेल हो गए तो सभी को ये करता था कि चलो हम नेक्स्ट बार प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे।
तो इस तरह कहे हुए वो क्या करता है, एक दिन रात में सो जाता है। कहाँ पर? चांदनी रात में। तो वहां नींद में हम भी देखिए, चांद रात के समय हम सो गए तो क्या करते हैं, चांद तारे, डाउट आता है कैसा ऊपर खड़े हैं सोए, हम तो धरती ऊपर खड़े हैं लेकिन वो कैसा खड़े हैं, ले क्योंकि वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक को एक कर पकड़ कर रखते हैं। सूरज धरती चंद्रमा को पकड़ती है, घट पकड़ती है, चंद्रमा धरती को घट, ये एक को एक खींचने के कारण वो वहां पर ही खड़े रहते हैं। तो हमारा सैटेलाइट बहुत स्पीड सम सेकेंड्स में, थोड़े सेकेंड्स में वो सम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर चले जाते हैं। तो इस प्रकार हम पृथ्वी उपग्रह से करते तो हम तो राजा के पास आ रहे थे, वो रात में सो जाता है, देखता है, सोते देखते 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 से नींद आ जाती है। नींद आने के बाद चांद उससे बातें करता है, चांद की दो आंखें, तो चांद बोलता है कि देखो उस राज्य में आपका नाव डूब जा रहा है, इस राज्य में यहाँ पर फाइटिंग चल रही है और वहां पे कुछ उत्सव हो रहा है। तो इस सैटेलाइट के कारण ही आज हमारी दुनिया छोटी बन गई है। बैठे जगह हम अमेरिका के बारे में देखते हैं, अफ्रीका को देख सकते हैं, अमेजन फॉरेस्ट देख सकते हैं, थार डेजर्ट देख सकते हैं, सहारा डेजर्ट देख सकते हैं, कहीं हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार काम पर आएंगे, फिर हम कहानी में आएंगे। राजा सो जाता है तो चांद उसको कहते लगता है कि देखो आपके इस राज्य में, राजा का राज्य इस कोने में उत्सव हो रहा है, छोटा सा यात्रा हो रहा है, यहाँ पे झगड़े हो रहे और यहाँ पे आपका जहाज डूब जा रहा है। तो चांद कहता है कि मैं आपको उन लोगों को सूचित करूंगा। तो देखिए अब हम ट्रेन सिग्नल्स तो हम एक्सप्रेस ट्रेन रहती है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। रोकते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन उसे बिना रोके भी जाते हैं। हमारे पैसेंजर ट्रेन है तो क्या करता है, सामने रेड सिग्नल रहता है स्टेशन के पास, हाँ देख के ऐसा नहीं ऐसा देखा, तो क्या हो जाता है, गाड़ी ट्रैक बदलने के बाद, वो ट्रैक कौन बदलता है, फिर से सिग्नल सैटेलाइट, ट्रैक बदलने के बाद गाड़ी इधर चले जाती है, एक्सप्रेस इस तरह। अगर वो सिग्नल टाइम पे वहां पे नहीं दिया, समझो दोनों आगे क्या हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है। तो राजा कहता है कि वहां मैं आपको मैसेज देता हूं, देखिए हम नहीं आए तो फोन करके बोलते मैं आज नहीं आ रहा हूं, नहीं तो मैसेज भेज देते हैं। ओहो ऐसा है क्या, लेकिन प्राचीन काल में तो बहुत मुश्किलें होती थी, हमारी मैसेज, हमारा योगक्षेम, हमारी हालत दूसरों को पता चलने के लिए हम वहां पर जाना पड़ता था, ना तो वहां के लोग यहाँ पर आना पड़ता था, नहीं तो हम लेटर्स लिखते थे, वह जाना और आना बहुत मुश्किल होता था। तो चांद की बड़ी बड़ी आंखें हैं, तो इस तरह पाठ में हम आ गए। राजा ने सपने में ही चांद को धन्यवाद दिया। इस तरह राजा क्या करता है, चांद को धन्यवाद देता है, थैंक यू बोलता है। सुबह हुई समय पर दरबार लगा, राजा ने अपना सपना सुनाया। तो राजा की आदत क्या है, रोज सपने देखता है, वह सुबह होते कि उनके मीटिंग में सभी लोगों को बुलाता है, सुनाता है, हंसते हुए कहा, फिर हंसते हुए क्या, हंसना मीन्स लाफिंग, सपना शायद सपना ही रहेगा, पुराने जमाने की बात है, राजा लोगों की बात है। तो राजा सुनता है कि सोचता है कि ये सपना सपना ही रहेगा, सपना मीन्स ड्रीम, स्वप्न, क्या ड्रीम कभी सच होती है, क्या होती है, कैसा, आप प्रैक्टिस करने पर। लेकिन यहाँ पे तो राजाओं का जमाना है, उस जमाने में वो कोई कुछ करे क्या नहीं करे हमें भी पता नहीं, लेकिन बाद बाद में क्या होता है कि हम देखेंगे। हंसी के पीछे निराश और दर्द ने दरबारियों को विचलित कर दिया, राजा की हंसी के पीछे छिपी निराशी, राजा को बहुत खुश होती है कि मेरा राज्य में चांद ने इस तरह बात किया है, स्वप्न है वो। बाद में राजा को यह पता चलता है कि अरे ये हो सकता है कि इट्स पॉसिबल, नो इम्पॉसिबल के राजा समझता है। तो सभी दरबारियां राजा बैठता, राजा के पास गोल मिनिस्टर बैठते ना, वो क्या हो जाते है, नाराज विचलित हो जाते हैं, यानी रे राजा को ऐसा प्रॉब्लम आया, बिल्कुल वो दुखी होते। एक वृद्ध दरबारी ने कहा, महाराज निराश ना हो, आपका यह सपना अवश्य सच होगा। एक वृद्ध दरबारी ने यहाँ पे आए, सो एक वृद्ध ओल्ड मैन कहता है कि डोंट वरी राजा,
ये पॉसिबल हो सकता है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, ये रोज का काउंटर है कहीं कभी, आज नहीं हुआ तो कल होता है। महाराज निराश ना हो, आपका यह सपना अवश्य सच होगा। वो कहता है कि महाराज निराश मत हो, अब दुखी मत हो, ये सपना अवश्य सच होगा। हमारे पास सपनों में हम काल्पनिक दुनिया को देखते हैं, काल्पनिक दुनिया को देखते हैं, काल्पनिक यानी हम उसे सोच कर रखते हैं, इसीलिए हमें स्वप्न होते हैं। तो हमें ये भी कहा जाता है कि अर्ली मॉर्निंग के टाइम में स्वप्न सच आए से जो गया तो सच हो जाते हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ, फिर आपके साथ क्या होता है पता नहीं। स्वप्न में हम देखते हैं कहीं दूर जाते हैं, किसी की दुनिया में जाते हैं, हवा में उड़ते जाते हैं, ये पूरे सच होते क्या? नहीं सच हो सकते। सच होते या ना होते, तो स्वप्न में देखिए आपने क्या करा है, डॉक्टर बना है। अरे सपने में तो मैं डॉक्टर बन गया, मैं कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस अपना सच होना है तो आप डॉक्टर के लिए प्रैक्टिस करना चाहिए, नहीं तो वो सपना कभी भी सच नहीं होता है। तो इस प्रकार राजा दरबारियों के पास दुखी हो, पहले खुशी होता है फिर बाद में दुखी हो जाता है कि ये सपना कभी भी सच नहीं होगा। तो एक ओल्ड मैन उनसे कहता है कि महाराज ये सपना अवश्य सच होगा। फिर एक दिन न राजा रहा न वृद्ध दरबारी, धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार पहले से देखिए, अब राजा ने सपने में ही चांद को धन्यवाद दिया, सुबह हुए समय पर दरबार लगा। राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर हंसते हुए कहा सपना शायद सपना ही रहेगा। राजा की हंसी के पीछे छिपी निराशी और दर्द ने दरबारियों को विचलित कर दिया। एक वृद्ध दरबारी ने कहा महाराज निराश ना हो, आपका यह सपना अवश्य सच होगा। सच यानी रियल ट्रूथ। फिर क्या होता है, एक दिन राजा ना रहा, राजा मर जाता है, वृद्ध दरबारी भी ना, वो भी मर जाता है। धीरे धीरे क्या हुआ है, टाइम स्पेंड होते जा रहा है, आखिर वह दिन आ ही गया, आखिर वह दिन आ ही गया। कौन सा दिन देखेंगे, राजा का सपना सचमुच सच हो गया। राजा का सपना क्या हो गया, ड्रीम क्या हो गया, ट्रुथ में बदल गया, सच हो गया। आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, फिर से हम अब हमारे पाठ में धरती की आंखें, धरती की आंखें क्या है, कृत्रिम उपग्रह, इसके बाद यहाँ पर आएंगे। तो आजकल फिर एक दिन ना राजा रहा ना वृद्ध दरबारी, धीरे धीरे समय बीतता गया, आखिर वह दिन आ ही गया जब राजा का सपना सच मुझ सच मुझ सच हो गया। आज सैकड़ों पर सैकड़ों मीन्स लॉट ऑफ हंड्रेड्स उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। पृथ्वी की परिक्रमा, इससे पहले मैं बताया था रॉकेट किस तरह, रॉकेट यानी क्या है, इस कृत्रिम उपग्रह ले जाने एक व्हीकल को रॉकेट कहते हैं। हमारे पास PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर यानी ऊपर जाने वाला, पोलर के ऊपर सैटेलाइट यानी ये, लॉन्च यानी उसको ले जाने वाला, व्हीकल यानी एक एक व्हीकल, एक गाड़ी। तो इस तरह इसमें बिठा कर, इसमें रख कर वह ऊपर जाता है धरती के ऊपर से। वे ऊपर जाने के बाद ये बड़ा सा रॉकेट रहता है, यहाँ पर कुछ हमारे सैटेलाइट्स रहते हैं, फोल्ड 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 करे तो रहते हैं ना, इस तरह ये पूरे फोल्ड होते हैं, जैसा कि हमारा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को खींचे तो पूरा नसीब हो जाता है ना, इस तरह ये भी फोल्ड कर देते है। ये रॉकेट रहता है, मैं बताया था ना इनको, यहाँ पे एक मोटर रहता है और यहाँ पे और एक मोटर रहती है, यहाँ पे और एक मोटर रहती है और यहाँ पे और एक मोटर रहती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोल के मैं कहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी धरती को, सॉरी किसी चीज को खींचने के लिए। देखिए अब जो चीज हम डालते हैं नीचे गिरता है तो नीचे ही गिरता है, क्यों ऊपर क्यों नहीं जाता है, क्योंकि इसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी कारण हम धरती पर खड़े रहे। अगर इसको ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहे तो हम भी उड़ने लगते हैं। तो ये रॉकेट चलता है, पहले एक इंजन चलाते हैं, थोड़ा ऊपर जाता है, ये नीचे गिर जाता है, और एक इंजन चला जाता है, ये थोड़ा ऊपर जाता है, ये नीचे गिर जाता है, और एक इंजन चलाते हैं, ये थोड़ा ऊपर जाता है, फिर ये नीचे गिर जाता है, और एक थोड़ा इंजन चलाते तो चलाते नहीं तो नीचे, ये ऊपर चले जाता है। इस ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर हो जाता है, बाहर हो जाने के बाद वो ऊपर जाने के बाद वैसे ऊपर जाता है क्या, नहीं, ऊपर जाने के बाद फिर से, या अब एग्जाम्पल इतना ऊपर आया धरती से, तो ये क्या होता है, इस तरह ये गोल
ऊपर ही घूमने लगता है, गोल ऊपर घूमने लगता है, यानी धरती के ऊपर ये गोल घूमने लगता है। घूमने घूमते समय उसके जो अंदर की ये रॉकेट ऊपर चले जाने के बाद जो ये फोल्डिंग्स है, चित्र में देखिए आप, ये सैटेलाइट, ये फोल्डिंग, ये सोलर पैनल्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलने पर इसको जब कुछ भी जरूरत नहीं, क्यों? स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता है। सर आप बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, फिर क्या रहता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ रहता है? प्लैनेट्स के ऊपर, धरती पर है हम, इस तरह है, चांद पर रहता है, लेकिन बीच में नहीं रहता है, तो इसीलिए हम हवा में उड़ने लगते हैं। वहां पे जाने के बाद ये जाते ही रहता है, सम सेकंड्स में लाख ऑफ किलोमीटर स्पीड चले जाता है। तो इस तरह वे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। हमें इंटरनेट में जाकर हम कुछ मारे तो वो मैटर हमें इनके द्वारा पता चलता है। तो इस प्रकार ये क्या करते हैं? हमारी मदद करते हैं। तो देखिए सच हो गया, आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो इस तरह ऊपर जाने के बाद ये सैटेलाइट क्या करते हैं? ये पूरा नजदीक रहता है, इस तरह ऑटोमेटिकली खुल जाता है। कैसा कि हम अम्ब्रेला का बटन दबा देंगे वो किस तरह खुल जाता है कि वह हम भी ऑटोमेटिकली। लेकिन हम कैसे चलाते हैं कंप्यूटर? क्या कोई बैठकर चलाते है क्या स्पेस में? कोई भी नहीं चलाता है स्पेस में। अभी तक हम इंसानों को नहीं भेजा है, इंसानों को यानी ह्यूमंस को नहीं भेजा है। तो हम कंप्यूटर में हमें सर्च करने के बाद वो ऑटोमेटिकली ऊपर उठ जाता है, ऑटोमेटिकली ये पूरा ब्लास्ट होते हैं, ऑटोमेटिकली टूट जाते हैं, ऑटोमेटिकली ऊपर जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली खुल जाता है, ऑटोमेटिकली गोल घूमते रहता है, गोल घूमते रहता है। जैसा कि देखिए हमारे फोन अलार्म सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock उठने तो अलार्म सेट कर देते हैं, अलार्म सेट होते क्या वो बजते हैं। नहीं तो आजकल हमारे स्मार्टफोन में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम किसी को विशेष करना है, बर्थडे का विशेष करना है, कल 9th है, 9th के दिन किसी का बर्थडे है, तो आप क्या करते हैं 12 बजे मैसेज भेजना है, आप उठ नहीं सकते, नहीं तो आप बिजी में रहते हैं कुछ काम सो के रहते हैं, तो आप क्या करते हैं 9 o'clock रात में 9 o'clock ही उसमें मैसेज सेट करके टाइम लगाते हैं 12 o'clock 1 minute, 12 and a half minute होता है, क्यों? मैसेज ऑटोमेटिकली चले जाता है। आप देखिए, देखिए आपके फोन में। तो इसका कारण क्या है? सैटेलाइट। तो आजकल चांद ही, आज अकेला चांद ही हमारे धरती का आंख नहीं है। तो इससे पहले राजा की कहानी में चांद धरती का आंख था, लेकिन आजकल कृत्रिम उपग्रह पूरे धरती के आंखें बन गए है। अंतरिक्ष में सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह चक्कर काट रहे, चक्कर यानी राउंड लगा, राउंड लगाने तो ना आप घूमते हैं कहीं पर जाना है, अरे कल ये नहीं था आज ही, ऐसा आप करते नहीं क्या निरीक्षण, देखते हैं नहीं क्या पर्यवेक्षण करते हैं ना ऐसा? तो कृत्रिम उपग्रह चक्कर काट रहे जो कई नई बातें जानकारी हमें देते है, नई नई बातें जानकारी हमें देते है। तो कृत्रिम उपग्रह, और एक बार देखिए, फिर एक दिन ना राजा रहा ना वृद्ध दरबारी, धीरे धीरे समय बीतता गया, धीरे धीरे मीन स्लोली, आखिर वह दिन आ ही गया जब राजा का सपना सचमुच सच हो गया। आज सैकड़ों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की, पृथ्वी मीन्स अर्थ, परिक्रमा मीन्स राउंड करना, राउंड कर रहे। आज अकेला चांद ही हमारे धरती की आंख, धरती की आंख नहीं है, अंतरिक्ष में सैकड़ों मीन्स लॉट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पृथ्वी में उपग्रह चक्कर काट रहे जो कई नई बातें की जानकारी में देते हैं। तो इस प्रकार आज के कृत्रिम उपग्रह हमें कई तरह के विषय हमें ज्ञान देते हैं। आजकल एजुकेशन, बायजूस, वेदांता, ये एप्स है ना, ये एप्स कैसे चलते हैं आपको? फिर से सैटेलाइट जो आप करते हैं, जो हमारे फोन से सिग्नल लिखता है तो बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद अंतरिक्ष में जाता है, वो कैच करता है, तो कैच करके जोर से स्प्रेड कर थ्रो कर देता है। तो इस प्रकार थ्रो करने के बाद ये डिश क्या करता है, उसे खींच लेता है और ऑटोमेटिकली वायर में जाता है, वायर में तो हम सब कुछ लाइव टेलीकास्ट देख सकते है। बर्थडे विशेष मॉर्निंग आते हैं टीवी में, जमीन में,
लाइव लाइव देखते हैं, क्रिकेट मैच हो सकते हो, क्रिकेट मैच तो लाइव देखते हैं। तो ये पूरा लाइव आने का कारण क्या है? कृत्रिम उपग्रह। तो आज के लिए इस कक्षा में इतना ही काफी है, बाकी काम कल पढ़ेंगे।